सरकार बनने के बाद बीजेपी नेता अधिकारियों को अपने हिसाब से हाँकते नजर आ रहे हैं। कभी सत्ता की हनक दिखाते हैं तो कभी हड़काते हैं। फतेहपुर में बीजेपी विधायक अधिकारियों को खुली चुनौती दे रहे हैं तो उनके मातहत जूते मारने की धमकी। बीजेपी विधायक विक्रम के डर से बिजली विभाग का एक अधिकारी तो अब एसपी की शरण में पहुंच गया है। अधिकारियों के लिए बेताल बना बीजेपी का विक्रम। सत्ता की हनक में अधिकारियों के सर पर सवार। विधायक के बाद जूता मारेगा उनका माथा। अधिकारियों को सुधारने के लिए जेब में कानून। फतेहपुर सदर सीट से बीजेपी विधायक है विक्रम सिंह, लेकिन अधिकारियों को ये बेताल नजर आते हैं। हाल ये है कि अधिकारियों के सर पर सवार होकर उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते हैं। अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सुधरने की नसीहत दे डाली। सरकार हमारी है, तंत्र हमारा है, लेकिन मानसिकताओं पर अधिकार हमारा नहीं है। ये जो मानसिकताएं 20 वर्षों में दूषित हुई हैं, ये एक दिन में दूषित नहीं हुई है। लोग अकारण ही नेताओं के पिट्ठू बने हैं। लोगों ने कल्टवाद को बढ़ावा दिया है कि एक नेता के हम आदमी हैं, हम इस पार्टी के आदमी हैं। ये अधिकारियों के बीच में जो मानसिकता है, ये हमारी सरकार के सामने रोड़े पैदा करने की उनकी आदत से दिख रही है। कि जब बात कोर्ट के आदेश की आई तो आस्था का हवाला देकर कानून की व्याख्या कर डाली और त्योहारों से पहले होने वाली पीस कमेटी की बैठक दलालों और अपराधियों की बैठक बता दिया। वो लोग चिन्हित किए जाएं जिनका बैकग्राउंड क्रिमिनल का ना हो, क्राइम का ना हो। क्राइमिनल लोगों से पीस कमेटी में बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं सरकार को नहीं करनी चाहिए और सरकारी तंत्र को नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज पीस कमेटी पर कुछ लोग हावी हैं, वो लोग पीस के नाम पर सिर्फ थानों की दलाली करने के अधीन हो गए। बात इतनी भर नहीं, विक्रम सिंह अधिकारियों को सुधरने की नसीहत देते हैं तो उनके रिश्तेदार जूते मारने की धमकी देते हैं। विधायक विक्रम के प्रतिनिधि उनके सारे चेत हैं। बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता से एक अवर अभियंता के तबादले की सिफारिश बात नहीं बनी तो जूता लेकर चल गए। बात फिर एक कहा था कि एक ट्रांसफर कर दीजिएगा जेई का, उसका बात करिए तो हमने बताया कि भाई 15 तक रोक लगी हुई है, उसको जैसे 15 के बाद जो मैं देखता हूँ उसको, तो कहे कि आप जो ऐसे टाल रहे हैं जब से आप आए आपके कार्य प्रणाली जो है ठीक नहीं है। पांच जूते मारूंगा आके अभी। विधायक के प्रतिनिधि हैं क्या वो? हम लोग मुलाकात उनके साथ हुई है, माननीय विधायक के साथ, विक्रम सिंह के। हाँ, विक्रम सिंह जी उनके साथ रहते हैं हमेशा? नहीं, उनके हमेशा मैं तो जब भी मैं गया हूँ तो मतलब मुलाकात हुई उनके साथ। इस पर अधिकारी ने एसपी को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराने की गुहार लगाई। पांच जूते मारूंगा आके अभी। विधायक के प्रतिनिधि हैं क्या वो? हम लोग मुलाकात उनके साथ हुई है, माननीय विधायक के साथ, विक्रम सिंह के। हाँ, विक्रम सिंह जी उनके साथ रहते हैं हमेशा? नहीं, उनके हमेशा मैं तो जब भी मैं गया हूँ तो मतलब मुलाकात हुई उनके साथ हुई है। इस पर विक्रम सिंह तो और भी गंभीर परिणाम भुगतने की नसीहत दे रहे हैं। ये तो अभी शुरुआत है, काम नहीं होगा तो इसी महोदय को गर्म भाषा और इसी महोदय को इन सिचुएशंस के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं ये कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी में जितने भी मिनिस्टर, विधायक, ये सांसद हैं, ये सब कहीं न कहीं अपना जो प्रतिनिधि बनाए हुए हैं या तो भाई को, चचेरे भाई को, साले को, रिश्तेदारों को बना करके भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आपने कहा ना कि वो अभियंता को क्यों धमका रहे थे, इसीलिए कि अभियंता से लेन देन की बात हुई होगी, अब वो नहीं दे पा रहा होगा जितना मांग रहे होंगे। ये तो सत्ता का नशा है साहब, जब बहनोई विधायक हैं तो साले पर तो सत्ता का नशा चढ़ना ही चाहिए, अच्छे दिनों में वो भी खासकर। एक तरफ तो वैसे ही इस सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है, कोई भी अधिकारी कर्मचारी काम करके राजी नहीं है, और दूसरी तरफ अगर काम वो करना चाहता है तो सत्ता पक्ष के ताकतवर नेता का, विधायक हों, सांसद हों, उनके परिवारों के लोग हों, उनके साले बहनोई हों, वो अधिकारी कर्मचारियों को फोन पर गाली देते हैं, जूता मारने की धमकी देते हैं, उनको बेइज्जत करते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रदेश के मुखिया योगी जी को इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए स्वीकार करना पड़ेगा कि वो 6 माह में बिल्कुल फेलवर साबित हो। ऐसे में लगता है अधिकारी तो इनको गुलाम नजर आते हैं, जो कहेंगे करेंगे, नहीं तो जूते मारेंगे और गंभीर परिणाम भी दिखाएंगे। आखिर सत्ता इनकी है तो सारे अधिकार भी तो
इन्हीं के होंगे। फतेहपुर से समाचार प्लस के लिए अवनीश चौहान की रिपोर्ट।